मौसम इतना ठंडा, बाहर आप खड़े हो रहे हैं तो ठंड लग रही है। ओए ये देखिए, ये देखिए इतनी हवा के, ओए होए 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 होए, दरख्त ऐसे टूटने को आ रहे हैं। मैं अभी चाय पी रहा हूँ और बारिश इंजॉय कर रहा हूँ, दरख्त देखिए, ओ है ये देखिए बारिश, दरख्त देखिए कैसे झूम रहे हैं, जैसे बस अभी फट जाएंगे। ये देखिए मुझे ना छतरी दे गए हैं, बाहर मैं इधर खड़ा हूँ, बाकी सारे अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर हूँ, बिजली भी चमक रही है और मैंने चाय मंगवाई है जनाब, बारिश में खड़े होके शेड के नीचे, तो मैं जनाब चाय पी रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। सही बात है, बड़ी देर बाद मैंने बारिश देखी है। मजा आ रहा चाय पीने का, अब तूफान आ रहा है। सही बात है, बारिश का, अंधेरी का तूफान आ रहा है। ये देखे, ये बाहर गली में बल्ब जो लगा हुआ है ना, स्ट्रीट लाइट, ये देखे कैसे हिल रहा है, वो देखे, ये देखे ओले कितने भाई, ओले ओए 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 ओ तेरी ओए, बड़ी तेज लग रही है, बाजू पे लग गया बड़े सख्त। ये जी लाहौर की मेट्रो है, मेट्रो बस, ये यहाँ से कचूमता तक जाती है, और ये अभी इस वक्त मैं हूँ आज़ादी चौक, वो सामने बादशाही मस्जिद है, पहले यहाँ पे जो है ना बहुत रश रहता था, जैसे शाहदरा में रश है ना, ऐसे यहाँ भी रश रहता था, लेकिन अभी जो है ना वो ये ब्रिज बनने से काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो मुझे हाईएस्ट ओटा ने पीछे उतार दिया, तो मैं समझ रहा था लारी अड्डा जाएगा, लेकिन वो लारी अड्डा नहीं गया। अभी मैंने ये रिक्शा लिया, ये 250 रुपये में ये जना मुझे स्टेशन उतारेगा, यहाँ से बत्ती चौक से नहीं गया, बादल छाए हुए आज। ये जी लाहौर रेलवे स्टेशन है और मैं पहुंच चुका हूं। अभी सबसे पहले मैं टिकट चेक करता हूं कि टिकट मुझे मिलेगी या नहीं। ये बोर्ड लगा हुआ डिपार्चर का, तो मैंने कराकरम पे जाना है, कराकरम जो है ना वो 3 बजे जाएगी, तो अभी टाइम तकरीबन जो है ना वो 2:15 हो रहे हैं। ये जी प्लेटफार्म लाहौर रेलवे स्टेशन का, तो बाहर जो है ना धूल मट्टी बहुत उड़ रही है, तो मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे, उसके बावजूद आंखों में जो है ना काफ़ी मट्टी पड़ चुकी है, तो मैंने असल में टाइम थोड़ा था, तो जल्दी में जो है ना वो मैंने हाईएस्ट जो लिया है ना कुचनावाला से, वो नॉन एसी था, और इसके पीछे जो एसी वाला था उसका 4th-5th नंबर था, तो मैं लेट ना होने की वजह से जो है ना मैंने जल्दी में ये नॉन एसी में बैठ गया। ये शादरे से आया, रिंग रोड से नहीं आया, लेकिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसने थका दिया, और धूल मट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। आज ही मैं दोबारा कराची जा रहा हूँ, 14 तारीख है, तो कल 15 को मैं 11 बजे पहुँचूँगा, और 16 तारीख को जो है ना सुबह 8:15 मेरे टेस्ट हैं, तो मुझे पूरे टाइम पे जो है ना वो पहुंचना है, इसलिए जो है ना मैं आज ही जा रहा हूं, ताकि कल मैं पहुंच के वहां रेस्ट कर लूं, और फिर परसों जो सुबह सुबह जो है ना वो कोई भी ऐसी टाइमिंग नहीं थी किसी ट्रेन की भी, जो कि मुझे मैं कल चलता और परसों मुझे 8 बजे से पहले वहां पे पहुंचा देती कराची, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि आज टेस्ट करवा के तो मैं कर गया हूँ जाके, थोड़ी सी मैंने 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटा मैं सोया हूँ, और उसके बाद जनाब मैं निकल चुका हूँ। मैं लोकल आने लगा था, फिर मैं मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, और हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, आती स्टार्ट हो रही थी, शोर बहुत है यहाँ पर ट्रेनों का, तो उसकी वजह फिर मैंने गाड़ी निकाली,
तो आमिर को फ़ोन किया, मैंने कहा आमिर यार मुझे शेखपुरा मोड़ पे उतार दो, तो आमिर आ गया था, फ्री था वो, तो उसने मुझे वहाँ उतारा। तो मैं वहाँ से जल्दी में ही जो है ना नान ए सी हाइयास डब्बा लिया और मैं आ गया। तो उसने काफ़ी जलील किया, लेकिन ये है कि उसके बावजूद जो है ना जलालत तो लिया, लेकिन मैं टाइम से जो है ना वो पहुँच चुका हूँ। तो अभी गरा गरम जो है ना उसका प्लेटफार्म ये है नंबर चार पे लगती है। तो अभी बस मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, अभी तकरीबन आधा घंटा बाकी है, अभी पता नहीं कितने बजे ट्रेन, आधा घंटा पहले आके लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना तो ट्रेन जो है वो तकरीबन चलने लगी थी जब मैं पहुँचा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये इंजन वगैरह खड़े हैं, अभी डब्बे वगैरह तो कोई भी नहीं है, वो भी दूसरी साइड पर खड़ा है। ये जनाब इंजन है, ये ट्रेन का इंजन है ऐसा, ये दोनों साइडों पे शायद चलता है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। ये जहाँ पे ट्रेन आके लगती है ना, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये इस तरह का, यहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेक भी ना लगे ना तो ये इतना मजबूत है कि इसकी चोट को सह सकता है। देखिए जो स्ट्रक्चर है ना अभी तक बिल्कुल फिट फाट है, इतने सालों से, अभी पता नहीं इसको कितने साल हो गए बने हुए को, और इसकी ईंटें बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं, हल्की फुल्की रेनोवेशन करते होंगे रिपेयरिंग वगैरह, बाकी वैसे का वैसा ही है। बाकायदा मैंने देखा लेडीज़ के लिए वेटिंग हॉल बना हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सोफ़े लगे हुए हैं, और जेंट्स का भी ऐसे ही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वेटिंग हॉल बना हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी एक और बात मैं बता दूं, जो वेटिंग हॉल बने हुए हैं फैमिली का अलग है, जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है। तो वेटिंग हॉल में आपको एसी है, फुल एसी है, और वहां पर बैठना उसी सूरत में है जब आपके पास टिकट होगी, टिकट के बगैर वो आपको जो है ना वेटिंग हॉल में बैठने नहीं देंगे। उतरा था मैं, टिकट जो है ना वो अंदर बैठ के लूँगा, क्योंकि ऐसे ही होता है अगर यहाँ से मैं टिकट लूँगा ना ऑफिस से तो ये मुझे इकॉनमी क्लास की देंगे, तो और बाद में कहेंगे आप अंदर जाके इसको बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर लें। तो भी मेरे पास टाइम है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे यहीं से बिजनेस क्लास मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भी मुझे, मैं वेटिंग हॉल में बैठने लगा था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि टिकट के बगैर बैठ नहीं सकते, और उसने कहा कि आप टिकट पहले ले लें तो फिर आप यहाँ आइएगा। मैं टिकट लेने गया था टिकट ऑफिस, यहाँ पे सारे जो है ना सारे नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक सारे मिले हुए हैं। इन्होंने बिजनेस क्लास जो है ना वो फ्री रखी होती है, और पता नहीं सिस्टम में इन्होंने कैसे बुक कर देते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सीट जो है ना वो शो नहीं होती, और जो टिकट देने वाले हैं वो कहते हैं आप एक काम भी ले लें अंदर जब बैठेंगे इसको कन्वर्ट कर लेना। लेकिन मैंने वहाँ कोशिश किया टिकट ख़रीदने की, मुझे टिकट वहाँ से नहीं मिली, तो कहते हैं जी आप अंदर जाके ले लेना अगर हम बिजनेस क्लास चाहिए, हमारे पास बिजनेस क्लास अवेलेबल ही नहीं है। जबकि मैं अंदर आया हूँ दो तीन कंपार्टमेंट जो है ना वो खाली पड़े हैं, तो हमको उससे बात किया। हैदराबाद पहुँच चुके हैं, तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो ये मैंने नाश्ता मंगवाया है, आमलेट है साथ ब्रेड, ये थोड़ी सी जैम है, और चाय, ये मेरे ख्याल से मक्खन वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अभी कराची पहुंच चुका हूं, ये स्टेशन है कराची का। तो मैंने इन ड्राइव चेक किया, 900 रुपये में इन ड्राइव आ रही है, जब बुक करने से पहले 650 बुक करने की ट्राई करता हूं तो 900 रुपये आता है, तो अमूमन यानी 650-700 रुपये में करंगी जाती है इन ड्राइव। तो कराची का रेलवे स्टेशन है, बाहर मौसम जो है ना थोड़ा गर्म ही है, मैं देखता हूँ गेट से बाहर निकल के, ये पार्किंग है, गेट से बाहर निकल के जो है ना मैं वो इन ड्राइव ही चेक करता हूँ। अभी जी मैंने इन ड्राइव से जो है ना वो बाइक कर लिया, मैं अकेला हूँ तो कोई मसला नहीं है, तो इन ड्राइव तकरीबन 250 रुपये में है, और मैं इन ड्राइव में जो एसी वाली गाड़ी चेक कर रहा था वो तकरीबन 900 रुपये में आ रही थी, 900 से कम नहीं थी। तो मैं अकेला हूँ तो मेरे पास लगेज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने बाइक ले लिया, देखते हैं कि बाइक की राइड आज जो है वो कैसी रहती है। अभी बस 5 मिनट की दूरी पे है वो, तो 5 मिनट में वो आ जाएगा। ये जी भाईजान बाइक वाले हैं, ये आ चुके हैं, ये गाल कर रहे थे मेरा फ़ोन जो है वो गाड़ी का पीछे लगेज बैग में था।
आगे जी हम बैठ चुके हैं। देखते हैं कैसी आज की राइड रहती है बाइक पर। मौसम ठीक है कराची का, ऊपर बादल छाए हुए हैं। पीछे मुझे याद नहीं रहा था, मैंने कहा अब जाते जाते यहाँ थोड़ा सा आके ये जाके आंटी का कार है, तो मैंने कहा यहाँ से फ्रूट ले लें थोड़ा सा जाते हुए। पहले मैंने केला लिया और ये चुपाने वाला। तो जी मैं ना घर पहुँच चुका हूँ, तो मैंने वहाँ पर जल्दी में था तो ना मैंने शेव करवाई ना मैंने बाल कटवाए, तो अभी शराब मेरे साथ है। तो मैं यहाँ आज कराची से जो है ना वो आज कटिंग और शेव वगैरह वरना करवाऊँगा। आज मैंने ना बजट ट्रैवलिंग किया वो ऐसे कि जब मैं लारी अड्डे पहुँचा हूँ शेखपुरे मोड़ पे, वहाँ से मैंने नाने से हाई एस लिया था। तो हाई एस जो है ना ये क्यों वादा दे रहा था, तो मैंने जो है ना वो हाई एस नाने से लिया था। कुछ जल्दी थी मुझे, जो पहले मैंने टिकट लिया वो टिकट जनाब उसने मुझे कोस्टर का दे दिया। कोस्टर जो है वो दूसरे नंबर पर लगी हुई थी, पहले वाली फुल हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको टिकट वापस की, तो मैंने कहा मुझे आप टोयोटा की दे दें, टोयोटा हाई एस। तो वहाँ पर एसी वाले नहीं थे, तो उसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने उसको कहा भाई स्टॉप तो नहीं करेगी, वो कहता भाई नॉन स्टॉप है अब लारी अड्डा जाएगी। मैंने कहा पक्की बात, उसने कहा हाँ। तो खैर वो झूठा था ड्राइवर, पहली बात उसने झूठी की कि नॉन स्टॉप शाहदरा से उसने स्टॉप करना शुरू किया, सवारियाँ उतारनी शुरू, तो आज़ादी चौक तक जाते जो है ना उसने कोई 10 दफ़ा ब्रेक लगाई और रिंग रोड से नहीं गया। और दूसरी बात जब शाहदरा पे सारी सवारियाँ उतर गई, दो बंदे हम बाकी रह गए, तो कहता जी मैंने तो स्टेशन पे सॉरी लारी अड्डे नहीं जाना, मैं तो यहीं पे उतार दूँ, वो उसने चबल मारी। खैर लाने सी का सफ़र जो आना बड़ा ही बुरा था, एक तो सीट अच्छी नहीं थी पीछे मिली थी मुझे, तो मेरी कमर जो है ना वो काफ़ी दर्द करना शुरू हो गई थी। खैर ये बजट ट्रैवलिंग हो गई। तो बाकी फिर मैं जब स्टेशन पर पहुंचा वहाँ से मैंने बिजनेस क्लास ली, बिजनेस क्लास लेके तो मैं कराची पहुंचा, तो कराची मुझे कुरंगी आने तक जो है ना वो 900 रुपये की टैक्सी मिल रही थी, तो मैंने वो नहीं ली, मैंने बाइक ली 250 रुपये की। तो 250 रुपये में एक तो टाइम की बचत होगी, दूसरा मौसम ठीक था, तो मैं अकेला था, मेरे पास कोई ज़्यादा बैग वगैरह नहीं थे, तो मैं तकरीबन 15-20 मिनट में मैं घर पहुँच गया। ये है यहाँ पे तमाम, यहाँ से देखते हैं। अगर कराची लाहौर से या गुजरांवाला से आपने बजट ट्रैवलिंग करनी है कराची के लिए, तो इकॉनमी क्लास 4,100 की मिलती है और बिजनेस क्लास जो है वो तकरीबन 9,500 की कराकरम की मिलती है, 9,150 की। और ग्रीन लाइन सबसे बेस्ट है, वो मिलती है तकरीबन 11,500 की। उसमें आपको खाना थकिया वगैरह हर चीज़ जो है ना फैसिलिटी आपको मिल जाती है, हाँ उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। जैसे इसमें मैंने कराकरम में खाने के 1,600 रुपये पे किया खाना और एक नाश्ता, तो वही बात आ जाती है। अगर आप ग्रीन लाइन में जाएँ तो बिजनेस क्लास तो वो 11,450 देते हैं, लेकिन उसमें नाश्ता खाना चाय वगैरह सब कुछ देते हैं, तकिया वगैरह सब कुछ देते हैं, बात वहीं आ जाती है। बल्कि ग्रीन लाइन जो है ना मेरे ख्याल से बेस्ट सर्विस है उसकी, एक तो आरामदेह है और दूसरा उसकी सर्विस भी अच्छी है। तो अगर बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आप लाहौर से कराची, तो फिर जो इकॉनमी जो है ना वो सबसे बेस्ट है, 4,100 में आप आ सकते हैं। और यहाँ पर कराची में मैं बताऊँ, यहाँ पर क्रीम टैक्सी भी चलती है और इन ड्राइव भी चलती है। इन ड्राइव से उनकी ऐप है, आप कोई भी चीज़ बुक कर सकते हैं, मिनी गाड़ी बुक कर सकते हैं, उसके बाद एसी वाली गाड़ी या बाइक करना चाहें, बाइक सबसे सस्ती पड़ती है अगर अकेला बन रहा है तो। ये नई चीज़ मैंने देखी है, मसाज करने वाली बड़ी ज़बरदस्त है, सुकून भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको,
मैंने करवा लिया, कटिंग भी करवाई है, शेव भी, और उसके साथ उसने जो है ना थोड़ा फेस मसाज भी किया, और फेस मसाज के बाद उसने जनाब तेल लगा के इतना ज़बरदस्त मसाज किया ना, मेरी सारी थकावट उतर गया। खाली उसने ये मसाज नहीं किया गर्दन का, उसके बाद ये कंधों का, बाजू का, पीछे पूरी कमर में। और पैसे कितने लिया, मैं कह रहा था यार ये बिल बना देगा कुछ तकरीबन 1000-1500 का, लेकिन इतने मुनासब पैसे नहीं हैं, इतने मुनासब के कुछ भी नहीं है। 2 घंटे उसने लगाए हैं और सिर्फ 500 रुपया उसने लिया मेरे से, और ये है कि मेरी सारी थकावट दूर हो गया। क्यों चुराया सी है ना, 2 घंटे हो गया ना, ढाई घंटे काफ़ी देर हो गई है बैठे, मैं इतना सुकून आया कि मैं बैठा वहाँ ना सो रहा था। सरसों के तेल से जो उसने मसाज किया ना वो क्या ही ज़बरदस्त, तकरीबन 1 घंटा उसने मसाज किया सरसों का तेल लगा के, तो मेरी सारी की सारी थकावट जो है ना वो दूर हो गया। नहीं तो मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था, कंधे भारी हुए हुए थे, तो मज़ा आ गया सही बात है।